सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन देखने के लिए ऑटो एंड टेक वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो S5 वेरिएंट आप लोग पूछ रहे थे उसी का ये एक्चुअल लुक देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा कि आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो साइड्स में शॉर्ट्स में आपको इस गाड़ी के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर S7 का भी रिव्यू देखना है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप S7 का भी रिव्यू देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, इसके अलावा बोलना चाहूँगा कि आपको अगर इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए भी बुक कर सकते हैं। जैसे कि हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, तो पहले आप पूरा इसका फ्रंट का एक अच्छे से लुक ले लीजिए। तो पूरा मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से पूरे इसके फ्रंट का आइडिया लग जाएगा। नीचे दोस्तों आप देखते हैं तो जो आपके फॉग लैंप्स हैं वो इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं है, आप अलग से एक्सेसरी के तौर पर इसको लगवा सकते हो। ऊपर जो आपका क्लस्टर है, जो आपका हेडलैम्प क्लस्टर है, यहाँ पे आपको जो कन्वेंशनल हेडलैम्प है वो मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED कुछ भी नहीं है जैसे आप देख रहे हो। यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड एंड क्लस्टर मिलता है, अंदर आपको पूरी ब्लैक एंड फिनिश यहाँ पे मिलती है जैसे आप देख रहे हो। इधर ग्रिल की दोस्तों बात करते हैं तो ये आपको पूरी मिलती है पियानो फिनिश पे जैसे आप देख सकते हो, और बीच में आपका जो महिंद्रा का लोगो है वो आपको मिलता है क्रोम के ऊपर। ऊपर आप जो इसका बोनट है उसका भी एक अच्छे से लुक ले लीजिए यहाँ पे, तो आपको अच्छे से पूरे इसके डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा। चलते हैं दोस्तों गाड़ी के साइड में, तो पहले आपको पीछे से कंप्लीट इसका एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो कंप्लीट आपको S5 वेरिएंट का आइडिया लगेगा, पूरा साइड प्रोफाइल इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं दोस्तों इसके व्हील्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल व्हील्स मिलते हैं, अपोलो के व्हील्स आपको मिलते हैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। जो आपके हैं R17 टायर्स, आपके जो कवर्स हैं वो आपको मिलते हैं सिल्वर फिनिश के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो आपके फुटस्टेप्स हैं वो भी आपको अवेलेबल है, तो आपको गाड़ी में अंदर चढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके कन्वीनियंस के लिए ये दिया गया है। यहाँ पे जो आपके इंजन की ब्रांडिंग है MHOG D120 वो आप देख रहे हैं, और आपका जो इंडिकेटर इंसर्ट है वो भी आपको साइड बॉडी में मिलता है। यहाँ पे जो ORVM है आपको मिलते हैं ब्लैक एंड फिनिश पे, जो पियानो फिनिश है, जो इंडिकेटर इंसर्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया। हैंडल्स की दोस्तों बात करते हैं तो आपको ये मिलता है ब्लैक एंड फिनिश पे, रगेड फिनिश पे, ये आपको बॉडी कलर पे नहीं मिलता है। इधर भी आपको जो स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग है वो देखने को मिल रही है जो सिल्वर फिनिश में दी गई है, तो साइड से काफ़ी अच्छी लगने लगती है गाड़ी जब इसको आप देखते हैं। चलेंगे दोस्तों साइड में, और साइड से पहले आप इसका एक कंप्लीट लुक यहाँ पे ले लीजिए। तो जो आपका फ्यूल इंटेक एरिया है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आ गए दोस्तों गाड़ी के पीछे, तो पीछे से पहले आप इसका एक कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पे ले लीजिए, कंप्लीट लुक अच्छे से ले लीजिए। तो जो आपका महिंद्रा का लोगो हो गया यहाँ पे, और जो स्कॉर्पियो S5 और जो इसका वेरिएंट है, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आपको मिलती है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्रोम पे अवेलेबल है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपको यहाँ पे जो फुटस्टेप्स हैं वो दिए जाते हैं, तो आपके कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पीछे वाली जो प्लेट है आपकी भी आपको मिलती है पूरी पियानो फिनिश पे जैसे मैंने आपको यहाँ पर आप देख रहे हो। इधर आप देखते हैं तो जो आपका हाई स्टॉप लैम्प है वो भी आपको अवेलेबल है। जल्दी से इसको खोल लेते हैं, और आपका जो स्पेस है अंदर का वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपकी अगर सीट्स उठी हुई हैं तो बहुत ही उम्दा स्पेस आपको यहाँ मिलती है जैसे आप देख सकते हो। थोड़ा पीछे से मैं आपको शो कर देता हूँ तो एक अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। अंदर बैठ के देख लेते हैं कि गाड़ी में कितनी स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ, तो हाइट मैंने आपको अपनी बता रखी है, अगर आपने मेरे और वीडियोज़ देखे 6 फीट मेरी हाइट है फॉर रेफरेंस। तो जल्दी से याली सीट भी खोल लेते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर 6 फीट के दो मेरे जैसे लोग बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, नीज आपस में टच करेंगी, नहीं तो 5 फुट 7 इंच तक, 5 फुट 6 इंच तक कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हो तो सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो सीट्स बहुत ही सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठने में, और जो हेड है वो भी आराम से स्पेस है, कहीं कोई हेड टच नहीं हो रहा है। तो अच्छी ऊँची गाड़ी है, SUV है, तो आपको एक कम्फर्टेबल यहाँ पर सीटिंग मिलती है थर्ड रो में भी। यहाँ पे दोस्तों जो पीछे वाला इसका टेल गेट है उसकी भी फिनिश देख लीजिए, सिंगल टोन पे आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है। सिल्वर यहाँ पे जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया है। जो आपका डोर हैंडल है वो भी आपको अवेलेबल है, जो आपका डोर खोलने के लिए हैंडल है वो मिलता है आपको ब्लैक एंड फिनिश के ऊपर। इसको दोस्तों बंद कर देते हैं और चलेंगे दोस्तों गाड़ी के दूसरी साइड, और इधर से भी आप इसका एक कम्प्लीट लुक ले लीजिए पहले, तो इधर से भी आपको अच्छे से आइडिया लगेगा पूरा। ऊपर आपको यहाँ पे कोई रूफ रिल्स नहीं मिलती है जैसे आप देख सकते हैं, सिंपल आपको रूफ यहाँ प्रोवाइड करी गई है। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो पहले आप बाहर से कंप्लीट एक लुक ले लीजिए तो आपको इसके पूरे इंटीरियर का आइडिया लग जाएगा। मेजरली आपको 2-टोन में पूरा इंटीरियर मिलता है जैसे आप देख रहे हैं, सिल्वर और ब्लैक फिनिश, काफ़ी एयरी लगता है, काफ़ी वाइड इंटीरियर लगता है। पीछे का भी आप लुक ले लीजिए यहाँ से, तो आपको पूरे केबिन का एक अच्छे से प्रोफाइल मिल जाएगा।
यहाँ पे जो आपकी डोर की फिनिश है वो आप पहले देख लीजिए। तो आपकी डोर पॉकेट्स हैं वो भी आपको दी गई हैं, इतनी कोई ब्रॉड नहीं है। तो आपकी बॉर्डर होल्डर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो आपके विंडो कंट्रोल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों के, और बाकी जो आपका विंडो लॉक है वो आपको मिलता है। हैंडल आपको मिलता है ब्लैक एंड फिनिश पे, जैसे मैंने आपको पीछे वाले डोर पे दिखाया था। यहाँ पे आपको एक हल्की सी प्लेटिंग बोल सकते हैं मिल जाती है पूरी डार्क सिल्वर फिनिश के ऊपर, थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट आ जाता है जब इसको आप देखते हैं। एडजस्टमेंट्स की दोस्तों बात करते हैं तो देख लेते हैं। तो केवल आपको यहाँ पे जो आपका बैक एडजस्ट है केवल वो मिलता है, आपको हाइट एडजस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। इधर दोस्तों जो आपकी डिफरेंट बटन्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो आपका जो लाइट एडजस्टर है, आपका जो फ्यूल लिड ओपनर है, आपका जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शनलिटी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। बाहर से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट इसका एक लुक दे दिया है। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर S5 वेरिएंट के अंदर, और अंदर बैठ के आपसे आराम से बात करेंगे कि अंदर बैठने में गाड़ी में कैसा लगता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी हैं। तो लेट्स गो इनसाइड द कार। तो दोस्तों अब मैं ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो S5 वेरिएंट है उसके मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो पहले आप पूरा इसका जो फ्रंट डैशबोर्ड उसका कंप्लीट एक लुक यहाँ पे ले लीजिए। डोर्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, साइड की बटन्स भी आपको शो कर दी। यहाँ पे जो एसी वेंट्स आप देख रहे हैं नॉर्मल आपको फ्लैट एंड एसी वेंट्स मिलते हैं, कोई भी यहाँ पे क्रोम बॉर्डरिंग या सिल्वर फिनिश नहीं मिलती है। पहले दोस्तों जल्दी से जो इसकी की है वो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल की अवेलेबल है, जैसे आप देख रहे हैं आपको इसमें रिमोट की नहीं मिलती है। इसको आप लगा देते हैं गाड़ी में और जो गाड़ी है उसको ऑन कर लेते हैं, तो बाकी जो फंक्शनलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो इसका डैशबोर्ड है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डुअल टोन है, जैसे मैंने आपको बाहर से बता दिया था। तो इतना कोई ब्रॉड डैशबोर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। जो फिनिश है दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही है, जो क्वालिटी है रेंज के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे जो आप अपना इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो देख रहे हैं, जो आपका आरपीएम मीटर हो गया, आपका जो एमआईडी हो गया, इसके अलावा जो आपका स्पीडोमीटर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी जो नॉर्मल सिग्नलिंग है वो आपको दिख रही है। इधर आपका जो ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, टेम्परेचर है, फ्यूल गेज है, यहाँ पे जो आपके डिफरेंट एडजस्टर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सेट और मोड। टॉगल्स की दोस्तों बात करते हैं तो आपका जो वाइपर का टॉगल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इधर आपका जो इंडिकेटर और जो लाइट का टॉगल है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। पीछे से दोस्तों स्टीयरिंग का पूरा एक लुक दे देता हूं। तो यहाँ पे कोई कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई मीडिया सिस्टम नहीं है। सिंपल आपको सादी स्टीयरिंग मिलती है, जो महिंद्रा का लोगो है आपको मिलता है क्रोम फिनिश के ऊपर। दोस्तों स्टीयरिंग स्कॉर्पियो की वैसे भी हमेशा बहुत बढ़िया रहती है, चलाने में गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है आपको। हाइटेड बैठते हैं तो आपको रोड का प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया मिलता है, आपको अच्छा लगता है जब ये गाड़ी चलाते हैं। तो जो लोग ये गाड़ी चला रहे हैं, जो स्कॉर्पियो S5 वेरिएंट या स्कॉर्पियो का कोई भी और वेरिएंट चला रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि आपको इसकी राइड क्वालिटी कैसी लगती है। यहाँ पे दोस्तों जो इसका मिडल है, पहले आपको पूरा इसका मैं नीचे तक एक कंप्लीट लुक यहाँ पे दे देता हूँ, तो आपको अच्छे से पूरे इसके मिडल का आइडिया लगेगा। इधर जो आपके एसी वेंट्स हैं वही आपको जो फिनिश है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे आपको क्रोम बॉर्डिंग्स वगैरह नहीं मिलती हैं, हल्की सी पियानो फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है। तो थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन हो जाता है लोअर वेरिएंट में भी। यहाँ पे आप अपना जो मीडिया सिस्टम है वो आप अलग से लगवा सकते हो, यहाँ पे आपको कोई मीडिया सिस्टम फिटेड नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से S5 वेरिएंट में। नीचे आप देखते हैं दोस्तों तो आपके जो एसी कंट्रोल्स हैं आपको नॉर्मल ब्लैक एंड फिनिश में मिलते हैं, रोटरी नॉब्स, यहाँ पे भी कोई आपको एक्स्ट्रा एडिशंस नहीं मिलते हैं क्रोम बॉर्डिंग्स के या सिल्वर बॉर्डिंग्स के। नीचे आपके डिफरेंट जो कंट्रोल हैं एसी के वो आपको मिलते हैं, जो आपका हैजार्ड लाइट कंट्रोल है वो आपको यहाँ अवेलेबल है। इधर आप देखते हैं तो आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, साथ में जो आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको मिलता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। इधर आपका जो गेयरबॉक्स है आप देख रहे हैं 5-speed गेयरबॉक्स मॉडल है विथ रिवर्स, पूरी ब्लैक एंड फिनिश पे आपको गियर मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है रगड़ फिनिश पे, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इधर आपका जो हैंड ब्रेक है आपको ये रगड़ फिनिश पे दिया गया, पूरा ब्लैक एंड इसकी जो बटन है वो मिलती है। पीछे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसके बारे में पीछे भी बैठ के बात करेंगे। जो दोस्तों सीट की कुशनिंग है वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे जो कुशनिंग है देख सकते हैं। इसके बारे में मैं दोस्तों अभी कमेंट नहीं करूँगा, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको उसकी सीटिंग कैसी लगती है, तो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाता है। इधर दोस्तों आप पूरी फिनिश का एक लुक ले लीजिए। जल्दी से जो इसका ग्लव बॉक्स है वो खोल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना कोई डीप ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। प्लास्टिक की क्वालिटी ज़रूर अच्छी है, मुझे ठीक लग रही है, रेंज के हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ऊपर दोस्तों देखते हैं तो आपकी जो रीडिंग लाइट्स हैं आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं, ये आपको इधर मिलती हैं बीच में जैसे आप देख सकते हो। और जो इसका लाइट है तो नॉर्मल आपको येलो लाइट यहाँ पे अवेलेबल है, वाइट लाइट या LED आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। दोस्तों फ्रंट का तो मैंने आपसे लगभग सबको शेयर कर दिया है, मेरे हिसाब से फ्रंट में इस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है बताने के लिए। बाकी साइड्स में शॉर्ट्स में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी अगर आपने अब तक पूरा वीडियो देखा है। मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में अब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी साइड्स में शॉर्ट्स में भी आपको इसके बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अगर आपने वीडियो पूरा देखा है। दोस्तों बोलना चाहूँगा कि कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, अपने मन में मत रखिएगा। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के पीछे, उससे पहले जो आपके एडजस्टर है, जो आपका मिरर है, बाहर का ORVM, उसको आपको मैनुअली जो एडजस्ट करना है उसका एडजस्टर आपको यहाँ मिल जाता है, काफ़ी अच्छी फिनिश के ऊपर दिया गया है जैसे आप देख सकते हो। अब दोस्तों चलेंगे गाड़ी के पीछे और पीछे बैठ के आपसे आराम से बात करेंगे कि गाड़ी में पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शनलिटी मिल जाते हैं। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार।
तो दोस्तों अब आ गए हैं गाड़ी के पीछे, S5 वेरिएंट के पीछे। तो आप पीछे से भी इसके रियर सीटिंग का एक अच्छे से लुक ले लीजिए तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे जो इसका डोर है, पहले आप दूर से देख लीजिए, एक लुक ले लीजिए। तो आपको जो बॉटल होल्डर है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आपकी विंडो डाउन बटन हो गई ऑटोमेटिक, हैंडल आपको मिलता है ब्लैक एंड फिनिश पे जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठ के आपसे आराम से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो इसका लेग रूम है वो देख लीजिए, तो यहाँ पे अच्छा खासा लेग रूम आपको मिलता है। 6 फीट हाइट है मेरी, फॉर रेफरेंस मैं आराम से बैठा हूँ, हेडरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, SUV गाड़ी है। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको कन्वीनियंस स्पेसेस मिल जाती हैं, जो आपके AC वेंट्स हैं मैंने आपको आगे शो कर दिए थे। इसकी पोजीशनिंग बहुत ही बढ़िया है, तो आपको जो एयर है बहुत ही अच्छी आपके सीधे बॉडी पे आएगी, तो आपको बहुत ही बढ़िया कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। इधर आप देखते हैं तो आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है वो भी आपको मिलता है, तो अपना आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना है वो आप कर सकते हो, तो एक और कन्वीनियंस फीचर हो गया पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। सीट्स दोस्तों बैठने में पीछे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप जो मेरा थाई सपोर्ट है वो देख सकते हो, हाइट मैंने आपको अपनी बता दी है। यहाँ पे आप अगर सॉफ्टनेस देखते हैं सीट्स की, तो बहुत सॉफ्ट सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी मैं फिर बोलना चाहूंगा कि जो लोग ये गाड़ी चला रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर बता दें कि आपको इसकी सीटिंग कैसी लगती है, तो एक अच्छा आइडिया लग जाता है। यहाँ पे जो आपके हेडरेस्ट हैं आपको ये एडजस्टेबल मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये आप एडजस्ट कर सकते हो, और आपको वापस करना है तो आप ऐसे इसको फोल्ड कर सकते हो, तो एक अच्छी फंक्शनैलिटी यहाँ पे ये दे दी गई है। इसके अलावा आप पीछे देखते हैं तो जो आपकी रीडिंग लाइट्स है यहाँ पे भी आपको अवेलेबल हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो पूरे केबिन में आपको बहुत ही उम्दा रोशनी मिलेगी। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है, मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन केस आपको अगर लगता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कंपनी के लिंक पे क्लिक करके इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा हमेशा की तरह, जैसे मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ये गाड़ी अच्छी लगी है, इसका ये वेरियंट अच्छा लगा है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग मेरे और भी वीडियोस आपको सीधे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।